अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मुंबई में बीएमसी कर्मचारी की कोरोना से मौत, अब तक 270 लोगों की गई जान, कोरोना से कोहराम जारी। थाने शहर में 256 को कोविड का संक्रमण, 24 घंटे में 29 नए मामले सामने आए, प्रशासन अलर्ट। नवी मुंबई में 206 पर पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 5 की मौत, संक्रमण से बचने सोसाइटियों को सख्त अल्टीमेट। पनवेल में मुंबई से आने वाले बढ़ा रहे कोविड का संक्रमण, 4 मई से लग सकती है शहर में नो एंट्री, विधायक प्रशांत ठाकुर ने सीएम को लिखी चिट्ठी। शहर के झोपड़पट्टी इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का बन रहा मजाक, भीड़ से कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा। नवी मुंबई की एपीएमसी मंडियों में 12 हुई कोरोना मरीजों की संख्या, महानगर पालिका ने पूर्णबंदी का दिया सुझाव, हालत खतरनाक। थाने के कोपरी पारसीवाड़ी में फंसे बिहार के कामगारों को मिला राशन, राजद विधायक सरोज यादव की अपील पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिलाई मदद। पुलिस और डॉक्टरों में फैला जानलेवा कोरोना का भयंकर भय, ड्यूटी करने को नहीं हो रहे तैयार, शहर के दर्जनों क्लिनिक हुए बंद। लॉकडाउन से शादी समारोहों के मंडप डेकोरेटर और घोड़ी बग्घी वालों को बड़ा झटका, सारे ऑर्डर कैंसिल, आर्थिक संकट और भी गहराया। लॉकडाउन से टूट रहा पर प्रांतीय कामगारों के सब्र का बांध, खैरात पर गुजारे से मांग रहे मुक्ति, मुलुक जाने की जिद। लॉकडाउन में फंसे कामगारों और छात्रों को मुलुक जाने की मिलेगी छूट, गृह मंत्रालय की घोषणा से क्वारंटाइन में फंसे नागरिकों को आंशिक राहत।